पीएमसीएच का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आगे हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दो दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों का खूब बखान कर रहे थे, अस्पतालों का खूब बखान कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के ही मंत्री सरकारी अस्पतालों का पोल खोल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। शनिवार को उन्होंने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएमसीएच में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मदन सहनी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश के कैबिनेट मंत्री मदन सहनी ने खुले मंच से दरभंगा की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के मरीजों को आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा, यहाँ के अस्पताल से मरीजों को सिर्फ रेफर किया जाता है, रेफर प्रथा बंद होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ यहाँ के मरीजों को मिले इसके लिए नीति बननी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, कहते हैं लालू राज में सरकारी अस्पतालों की हाल बेहद ही खराब थी, हमने जब काम शुरू किया तब इससे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुआ है। शुक्रवार को पटना के IGIMS में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम को गिनाया था, लेकिन अगले ही दिन उनकी पार्टी के नेता व बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के समक्ष ही दरभंगा के सरकारी अस्पतालों की पोल खोल के रख दी। कहा कि यहाँ से सिर्फ मरीजों को रेफर किया जाता है, मरीजों को सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए मदन सहनी ने कहा कि हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो इस पर बात करने की ज़रूरत है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप पटना से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं लेकिन यहाँ वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमें दरभंगा जिला में रहना है, दरभंगा के लोगों को सहयोग करने में हम काम नहीं आएंगे तब कठिनाई होगी। बहुत सारा सामान स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है लेकिन उसका लाभ रोगियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए कोई नीति बननी चाहिए जो सामान आप उपलब्ध कराते हैं उसका लाभ रोगी को मिल पाए या नहीं यह देखने की ज़रूरत है। दूसरी यह भी नीति बने कि किस परिस्थिति में मरीज को रेफर कर दिया जाता है इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं जो रोज़ देखते भी हैं, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी रेफर कर दिया जाता है। जो निजी क्लिनिक चलाते हैं वह भी मरीजों को सीधा IGIMS पटना रेफर कर देते हैं। जानना चाहते हैं कि मरीजों को PMCH में क्यों नहीं रेफर किया जाता है, इसका मतलब है कि PMCH पर विश्वास नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दो दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, ऐसे में वो आज दरभंगा गए थे, वहाँ एम्स का भूमि का निरीक्षण किए थे, लेकिन उन्हीं के सरकार के मंत्री बिहार में समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी, वो नीतीश कुमार के अस्पतालों का ही पोल खोल दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ अस्पताल है, सुविधा सरकार दे रही है लेकिन वहाँ के डॉक्टर हैं वो काम नहीं करते हैं, जो रोगी हैं उन्हें पटना ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच गया, अब हम लोग आग्रह करेंगे यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चिकित्सकगण हैं, कि आपने DMCH का तो अस्तित्व बचा लिया लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो पटना से उपलब्ध करा
चाहते हैं यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान रोगी को नहीं मिलता है, इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए। जितना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है यह बात। और दूसरा यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं कि जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे, और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं वैसे लोग भी सीधा आईबीएमएस में रेफर करते हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को पीएमसीएच में क्यों नहीं रेफर किया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि आपको पीएमसीएच पर विश्वास नहीं है, आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए। एक भी डॉक्टर पीएमसीएच रेफर नहीं करते हैं, सीधा आईबीएमएस रेफर करते हैं। और आपको भी मालूम है कि आईबीएमएस में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है, वहां बेड का कमी है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मरीजों के हित में भी हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन लोग को सुविधा हो और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए भी सरकार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ आप खुद मालिक बैठे हुए हैं, इसका नीति बनना चाहिए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा बहाल हो, इसके लिए भी काम होना चाहिए। आज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है उसमें ओपीडी किसी तरह से चालू हो पाया है, इंडोर का भी व्यवस्था हो, मरीज भर्ती हो, जितने तरह का हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया जो 8 तरह का यहाँ विभाग है, उस 8 तरह के विभाग में जो हमारे डीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अंत में हम लोग यह कह सकते हैं कि रोगी का इलाज के लिए सब चलेगा, लेकिन उसका व्यवस्था अगर आप अलग से नहीं करते हैं और डीएमसीएच का व्यवस्था अलग नहीं होता है तो उतना लाभ हम लोग को नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को। जिस तरह से आपने इतना बड़ा चीज यहाँ देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि यह व्यवस्था दोनों अस्पताल का अलग अलग हो, दोनों का प्रशासक अलग अलग हो, दोनों का देख रेख करने वाला अलग हो। और इतना बड़ा जब अस्पताल है तो कोई सक्षम आदमी को आप जरूर अधीक्षक बनाने का, प्रिंसिपल बनाने का काम करिएगा। इतना ही कर करके फिर से अपने साहब